चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की वीटेक न्यूज़। जी हाँ, आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है हमारे लिए। जी हाँ, संडे को छुट्टी लेते हैं और टेक न्यूज़ भी आखिरी है दोस्तों, लेकिन इतनी ज़बरदस्त खबरें लेके आया हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी है आपको खुश कर देगी और कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी वाली खबर दे देता हूँ पहले। एयरटेल ने दोस्तों एयरटेल ब्लैक लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये कंबाइन कर दिए उनके ऑल द सर्विसेज, इसका मतलब मोबाइल, डीटीएच एंड उसके बाद में फाइबर ब्रॉडबैंड जो है, ये दो तीनों भी चीज़ें जो है, ये तीनों सर्विसेज है वो एयरटेल ब्लैक के नीचे आ गई है। कुछ 998 या 898 रुपीज़ से चालू होती है ये सर्विसेज, जहाँ पे आप जब ये ले लोगे एयरटेल ब्लैक तो आपको एक डीटीएच का कनेक्शन भी मिलेगा, आपको एक दो तीन जैसे प्लान है उस हिसाब से मोबाइल कनेक्शन भी मिलेंगे, साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी मिलने वाला है। सो या वेरी नाइस। और दूसरी तरफ दोस्तों, जियो ने इमरजेंसी डेटा प्लान लॉन्च कर दिया है। अब इमरजेंसी डेटा प्लान क्या है, समझिए आपका डेटा खत्म हो गया और आपको अभी चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक्चुअल में रिचार्ज कर पाओगे और पैसे आपको बाद में देने, 1 GB का डेटा आपको मिलेगा। ये बेसिकली इमरजेंसी लोन डेटा लोन पैक्स या लोन इमरजेंसी लोन डेटा पैक्स ऐसे कुछ कह रहे हो, बट इंटरेस्टिंग है। और 5 GB तक, मतलब 5 ऐसे आप रिचार्जेस कर पाओगे, अभी कर दो आप यूज कर पाओगे एक दिन के लिए, एंड देन यू विल हैव टू पे इट लेटर। सो नॉट बैड एट ऑल, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ी नॉट सो गुड खबर के पास आते हैं दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि जो टैरिफ्स है, मोबाइल टैरिफ्स, इंडिया में सबसे चीपेस्ट टैरिफ्स है अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो, डेटा रेट्स के बारे में बात करें तो। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कहा है, DOT को कहा है कि भाई ये सस्टेन नहीं कर सकते, रेट्स इतने ज्यादा कम है कि हम प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, लॉस में ही जाएंगे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में कुछ 7,000 करोड़ रुपए का लॉस वोडाफोन आइडिया ने किया, और इसीलिए अब DOT TRAI के पास जा रहा है कंसल्टेशन करने के लिए कि भाई क्या रेट्स बढ़ाने चाहिए। वेरी मच पॉसिबल कि मोबाइल टैरिफ्स अगले आने वाले कुछ महीनों में बढ़ जाए। एक चीज नहीं बढ़ रही है दोस्तों, लाइक्स मार दीजिए। जी हाँ, और दोस्तों व्हाट्सएप जो है माइग्रेशन टूल के ऊपर काम कर रहा है, जहां पे आपने समझिए एंड्रॉइड से iOS आईफोन ले लिया, आप पहले एंड्रॉइड पे थे, आपको व्हाट्सएप के चैट्स वगैरह आपके जो हिस्ट्री है वो शिफ्ट करना है, तो अब आप कर पाओगे। आपको एक केबल लगेगी विच विल ज्वाइन बोथ द फोन्स एंड देन इट विल ट्रांसफर थ्रू द केबल। इसके ऊपर एक वीडियो भी आ गया, लेकिन अभी सिर्फ कुछ यूजर्स को बीटा चल रहा है, ये बहुत ही जल्दी अपडेट में व्हाट्सएप आएगा। तो अगर आपको iOS से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से iOS व्हाट्सएप पे शिफ्ट करना है, आपका डेटा शिफ्ट करना है, तो आप बहुत ही इजीली कर पाओ। आए दिन फोल्ड की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 एंड Z Flip 3, इनके बारे में 3 अगस्त डेट आई थी। अब एक पोस्टर आ गया है जहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि Z Fold 3, Z Flip 3 जो है अगस्त 11th को लॉन्च होने वाला, नॉट ऑन अगस्त 3rd बट अगस्त 11th। साथ में बड्स 2 एंड वॉच 4 भी आने वाला है, तो सिर्फ आपके फोल्डेबल फोन्स या फिर क्लैम्पशेल फोन्स ही नहीं, बड्स एंड वॉच भी आ रहे हैं। सो यस, लेट्स वेट फॉर अगस्त 11th। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दोस्तों, क्योंकि ये भी पता नहीं किसी ने क्रिएट किया होगा ये इमेज फोटोशॉप के ऊपर और डाल दिया। हमारा काम है आपको बताना। जी हाँ, ऐसे बताते रहते हैं टेक न्यूज, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट दैट अगर आपने नहीं किया दोस्तों। अब ऐसे लग रहा है कि 20 GB रैम वाला फोन आने वाला है। यस, 20 GB रैम, आई मीन ऑब्वियसली इट इज ओवरकिल, लेकिन ऑलरेडी 18 GB का आ गया है फोन, अभी अभी आया हुआ है। चलिए आपसे एक सवाल है, आज आपको आंसर देना है हर एक को जो भी ये टेक न्यूज देख रहा है, नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और ये बताइए कि 18 GB वाला कौन सा फोन, 18 GB रैम वाला कौन सा फोन लॉन्च हो चुका है। यू हैव टू टेल मी टूडे, डू नॉट मिस। और एक चीज आपको नहीं मिस करनी है, आज का वीडियो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 बताए हुए हैं। जी हाँ, फिर भी रैंकिंग में बहुत मुश्किल हुई दोस्तों, बट यू मस्ट गो एंड वॉच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं। और बात करते हैं दोस्तों आज के पोल की। सिंपल सा पोल था, फ्लैगशिप में आजकल एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं आता, एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं आता है, आना चाहिए या नहीं, ये हमने आपसे पूछा था। 76% ने यस कहा, जो मैं भी कहता हूं यस होना ही चाहिए हर एक फोन में, लेकिन 24% लोग कौन है जो कहते हैं नहीं स्टोरेज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो 512 GB वाला लेते होंगे या फिर 256 GB वाला, फिर जरूरत नहीं। ऑलराइट, तीन चार दिनों पहले ही दोस्तों बताया था कि बैकएंड में इंटीग्रेट हो रहे हैं OnePlus एंड Oppo। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई इसका मतलब क्या ऑक्सीजन ओएस जो है वो जाने वाली और कलर ओएस आने वाला है क्या OnePlus के फोन्स के ऊपर, ये पूछा था। अब दोस्तों उन्होंने क्लियरली कहा है कि चाइना में जो OnePlus के फोन्स होंगे, Oppo के फोन्स होंगे, उसके ऊपर कलर वॉइस आएगा, और ग्लोबली इसका मतलब इंडिया में भी जो OnePlus के फोन्स होंगे उसके ऊपर ऑक्सीजन UI आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं,
दोनों भी जो UIs होने वाले हैं उनके कोड बेस सेम होंगे, मतलब जो बैकएंड कोड होगा वो सेम होगा, सो लिटरली नाम सिर्फ अलग होगा, बाकी सब चीजें सेम होने वाली है, इंटीग्रेट करने वाले हैं। और उसकी वजह से एक फायदा होने वाला है दोस्तों, जो उनके R और T सीरीज के फोन्स हैं, फ्लैगशिप लेवल फोन्स, उनको तीन मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो टीम है वो एक साथ आ गई है, ज्यादा अच्छी तरह से फास्ट आपको अपडेट प्रोवाइड कर पाएगी। तो तीन मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, साथ में अगर CE आप देखोगे तो उसको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, और जो N सीरीज का है नॉर्ड, ये जो है इसको 1 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट। सो यस इट इज गुड, अपडेट्स 3 साल तक भी आपको मिलते रहे, which is not bad at all. देखते हैं आने के बाद देखेंगे, उसके बाद में I'll say whether it is good or not. ऐसे OnePlus के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दो दोस्तों, जुलाई में OnePlus Nord 2 लॉन्च हो रहा है, जी हाँ, और ऐसे कहा जा रहा है कि उनके जो टीजर्स वगैरह हैं, जो टीजर्स करते हैं, रूमर्स वगैरह आते हैं, लीक कर देते हैं कुछ फोटोज, वो अभी चालू हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, आप सुनोगे जरूर। और दोस्तों Motorola की तरफ से उनका एज सीरीज के H20 Pro एंड H20 Lite आ रहे हैं। H20 Lite जो है दोस्तों कहा जा रहा है Dimensity 720 पे होने वाला है, जो 20 है H20 ये 778 पे होने वाला है। इनफैक्ट वो लिस्ट भी हो गया और बहुत सारे डिटेल्स भी आ गए हैं। यूएस वेरिएंट अलग होगा, थोड़ा लाइटर वेरिएंट होगा, जो ग्लोबल या फिर इंडिया में लॉन्च होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा होगा, इंडिया में 16 मेगापिक्सल का होने वाला है, ऐसे स्लाइट डिफरेंस है। बैटरी भी थोड़ी बड़ी होगी इंडियन वेरिएंट के लिए, यूएस वेरिएंट के लिए थोड़ी छोटी होने वाली है। और जो प्रो वेरिएंट है दोस्तों उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 आने वाला है, इसका मतलब H20 कंप्लीट सीरीज जो है 5G पे होने वाली है। सो या नाइस, आई एम वेटिंग फॉर इट, प्राइस क्या होगी, दैट इज वेरी। और हाँ, अगली न्यूज़ देने से पहले थैंक यू, 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं 2 महीने में ट्रैक इन शॉर्ट्स के। क्या बताऊं दोस्तों, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, थैंक यू सो मच, जाके देखिए अगर नहीं देखा है तो ट्रैक इन शॉर्ट्स, यू विल एंजॉय। और दोस्तों अच्छी खबर दे दूं, स्पेशली जिन लोगों ने नोट 9 प्रो मैक्स खरीदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने से मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि भाई एंड्रॉइड 11 कब आने वाला है। फाइनली एंड्रॉइड 11 का बीटा जो है वो रिलीज हो गया, कुछ लोगों को अब मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी सभी को जिनके पास रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है उनको एंड्रॉइड 11 मिलेगा एंड उसके ऊपर MIUI 12। BGMI के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्राफ्टन ने कहा है They are serious about India. मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सीरियस है। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज कही है कि $100 million हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इधर का जो गेमिंग इकोसिस्टम है वो बढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, ऑलरेडी नॉर्डविन गेमिंग में उन्होंने कुछ $22.5 million डाल दिए हैं, लोको में उन्होंने कुछ $8 या $9 million डाल दिए हैं, सो ऑलरेडी द इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड। उतना ही नहीं दोस्तों, BGMI पब्लिक रिलीज होके सिर्फ एक ही दिन हुआ है, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, और ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नंबर 1 पे आ गया है ये ऐप। एक्सीलेंट, आई मीन उतना ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली गूगल प्ले स्टोर पे आएगा ही, अगले कुछ शायद हफ्तों तक वो नंबर 1 पे ही रहेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है इसके बारे में, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन नहीं, टेक न्यूज होते हैं खत्म लेकिन पूरी टेक न्यूज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अच्छे ऑफर्स अगर आपको चाहिए, डील्स चाहिए, सेल चल रहा है, उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का, मनी मैनेजर नाम है दोस्तों, जी हाँ, अगर आपको आपके बजटिंग वगैरह करना है, एक्सपेंसिस वगैरह ट्रैक करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ऐप है मनी मैनेजर, जी हाँ, आपका मैनेज करेगा मनी, नहीं आपका मनी मैनेज करेगा ये ऐप, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर का, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTTA डालिए, टाइमस्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर, और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है संभव सारंगी, कांग्रेचुलेशन संभव जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। नाउ टाइम फॉर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपर स्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपर स्टार फीचर कमेंटर्स हैं आयुष राणा, राहुल कुमार, साहिल नेगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों, ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट्स लाइक्स रिप्लाइज देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक इन टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1081 खत्म होती है इधर ही। इफ यू हैव लाइक्ड इट, भूल गए होंगे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। कल जबरदस्त आस्करून आ रहा है, उसके लिए जरूर रुकिएगा, बहुत मजा आने वाला है देखने को 11:15 बजे। डॉट